और अब वक्त आ गया है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का, और आज का हमारा नंबर है 59। ये नंबर उन लोकसभा सीटों का है जिनसे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा कनेक्शन है। ये अंकगणित आज इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनावी शोर में आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी के मुताबिक उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है, ऐसा नहीं करने पर ईडी की गिरफ्तारी का डर दिखाया गया है। इस पर बीजेपी ने आतिशी से पूछा है, वो ऑफर किसने दिया, धमकी किसने दी, नाम तो बताओ। फिलहाल आतिशी ने ये वो नाम वो तो नहीं बताए हैं। ऐसे में सवाल बार बार ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली की शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का कोई चुनावी रिश्ता है या फिर कहानी कुछ और ही है। भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। मुख्यमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। शराब घोटाले में फंसे हुए ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसका गिरफ्तारी हो गई, 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल फिलहाल 15 दिन के लिए जेल में हैं। तो इसी केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 180 दिन बाद बेल मिल गई है। एक तरफ अरविंद तिहाड़ पहुंचे तो दूसरी तरफ संजय के तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने कैसी प्रतिक्रिया दी, बीजेपी ने क्या कहा, इन सारे सवालों के जवाब आपको दिखाएंगे। अभी आप आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी के विस्फोटक आरोप और उस पर बीजेपी का पलटवार देखिए। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी फिर से आप स्वांग कर रही हैं, इसी तरह की बातें और झूठे इल्ज़ाम कितनी बार कितने नेताओं ने लगाए हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारे पास लोग आ रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, इतने रिश्वत दे रहे हैं कि भाजपा में आ जाओ। कौन है वो लोग, कहाँ हैं आपके पास सबूत, आप गई हैं इसको लेकर FIR करने के लिए? मीडिया के पास तो आप आ जाती हैं लेकिन आप सोचिए आप सीधे इसका FIR क्यों नहीं करती, आप क्यों नहीं इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करती हैं? आतिशी के आरोपों पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी मुहर लगाई, लेकिन उन्हें भी उस आदमी का नाम बताना गवारा नहीं हुआ जिसने बीजेपी की तरफ से आतिशी को पार्टी में शामिल होने पर ईडी से गिरफ्तारी का डर दिखाया।
आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता हैं, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे एक महीने के अंदर अंदर, ही तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए, केजरीवाल से ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, उन मेरी जगह वह सुनीता भाभी को, सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई बार विधायकों को लुभावनी ऑफर देकर पार्टी तोड़ने के आरोप लगाए हैं, लेकिन उस बिचौलिया का नाम एक बार भी नहीं बताया जिसने उसके नेताओं से संपर्क किया, बीजेपी की तरफ से लुभावनी और डरावनी पेशकश की। दिसंबर 2023 में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने संजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज की, फिर इसी साल फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई है। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। मैं जब बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे, ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको आप दबाए नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बताया ये भी जा रहा है कि संजय सिंह को जमानत इसलिए मिल पाई क्योंकि ईडी ने इस पर एतराज नहीं जताया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए एक्ट के तहत उनके जमानत पर विचार करना होगा। पीएमएलए एक्ट के सेशन 45 में जमानत देने का मतलब होता है कि कोर्ट कहता कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता, इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता। यही वजह है ईडी ने जमानत का विरोध नहीं करना ही बेहतर समझा और संजय सिंह को बेल मिल गई। इनको कि वो एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं, उनके पास ना तो कोई सबूत है ना ही वो एविडेंसेस हैं जिसको वो कोर्ट में दिखा सकते हैं, और यही कारण रहा कि जब कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप कंसेशन नहीं देते हो, अगर आप जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं देते हो, तो हमें लिखना पड़ेगा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई केस मेड आउट नहीं होता। इससे बचने के लिए ईडी के काउंसिल ने ये आके कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको बेल ग्रांट कर दी जाए। अब संजय सिंह का परिवार जमानत के बाद उनके जेल से लौटने का इंतजार कर रहा है। आज जो न्यायपालिका ने जो भी आर्डर किया है और उससे सबको थोड़ा सी राहत मिली है, लेकिन पूरी राहत तभी होगी जब 3 भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश है। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। संजय सिंह की जमानत को आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत और झूठे आरोप लगाने वालों की हार बताया है। सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। संजय सिंह की जमानत पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने भी खुशी जताई है। जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, बदनामी हो रही है। कोई ना कोई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जज बचे हुए हैं कि जो इंडिपेंडेंट कुछ जजमेंट करते हैं, हो सकता है वो भी, वो संभावना हो सकती है, हो सकता है कि इसको भी ज़्यादा समय अन्याय नहीं कर सकते, ऐसा भी लगा होगा। अच्छी खबर है और
शायद ईडी भी अपोज नहीं किया, लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि सुना है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल पूछा था ईडी को जी इतना दिन तक क्यों कस्टडी में, तो सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंड ये बहुत पावरफुल स्टैंड है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और बेल भी हो गया। आप और विपक्षी गठबंधन अपने नेताओं को बेदाग बता रहे हैं तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक एक नेता को दागदार करार दे रही है। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद 11 दिन ईडी की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को राउ जबिनी कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ऐसे में बीजेपी केजरीवाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने पर सवाल उठा रही है। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इन पर एक्यूजेशन था और वो बेल पे थे, उनके तो आप इस्तीफे मांगते थे, कहते थे कि एक्यूजेशन लगने पर इस्तीफा हो जाना चाहिए, पद को छोड़ देना चाहिए, और आज आपको बेल केजरीवाल जी नहीं मिल रही है परंतु आपका स्टैंड है कि मैं सरकार जेल में रहते हुए ही चलाऊंगा। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है तो आपने साफ कर दिया है कि उसके नेता मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसे लेकर पार्टी के 55 विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 65 विधायक हैं, इनमें से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन जेल में हैं, तो 4 विधायक दिल्ली से बाहर थे। बाकी 55 विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अब सवाल ये कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? इसे लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के पूर्व न्यायाधीश का क्या कहना है? आपको उनकी बात सुनाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि केजरीवाल के जेल में रहने से लोकसभा चुनाव में आपकी सीटों के अंकगणित पर क्या असर पड़ेगा। अभी बीजेपी के उस आरोप को सुनिए जिसमें वो केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य सरगना बता रही है। अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो, पहली चोट। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए, ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी। केजरीवाल की रिमांड कॉपी में ईडी ने उन्हें शराब घोटाले का किंगपिन बताया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आप पर शराब घोटाले में मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में करने का सबूत होने का भी दावा किया था। ऐसे में ईडी के इन्हीं आरोपों के बिना पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी कट्टर ईमानदारी की दुहाई देने वाली आप और उसके नेता केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रही है। ऐसे में अब सवाल ये कि बीजेपी की इन आरोपों से लोकसभा चुनाव में आपकी उम्मीदों को झटका लगेगा या फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनकी पार्टी को सहानुभूति मिलेगा? चुनाव में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या असर होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल जेल जाने के बावजूद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी का क्या कहना है, जरा ध्यान से सुनिए। पब्लिक मोरालिटी डिमांड्स की आप कोई ना कोई जरूर ऐसा एक्शन लें जिससे गरिमा इस जिस कुर्सी को आप होल्ड करते हैं उसकी बनी रहे। और वाइल इन कस्टडी जेल मैनुअल के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कोई पेपर साइन नहीं कर सकते बिना सुप्रिंटेंडेंट की परमिशन के, आप मिल नहीं सकते सुप्रिंटेंडेंट की बगैर परमिशन के, तो अगर आज आपको अपनी कैबिनेट की मीटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? यू कांट डू इट।
लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि केजरीवाल जेल गए तो गए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक है। 31 मार्च को ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। सरकार से जेल में बंद विपक्षी नेताओं के रिहाई की मांग और जनता से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील की। इस मंच पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई बड़े नेता मौजूद थे। ममता बनर्जी, स्टालिन और लालू प्रसाद यादव भले ही ना थे, लेकिन उनकी पार्टी के नुमाइंदे जरूर थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में सीटों पर बात नहीं बनी, तो केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस आमने सामने हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पंजाब को छोड़ दें तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीट बंटवारा हो चुका है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की 10 में से 1 सीट पर आप तो 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। गठबंधन में चंडीगढ़ की इकलौती सीट कांग्रेस के खाते में है, तो पंजाब में सभी 13 सीटों पर आप और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रही है। गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो गुजरात की 26 सीटों में से 2 पर आम आदमी पार्टी और 24 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनावों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात में कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच में दोस्ताना मुकाबला होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या इस गठबंधन से कांग्रेस और आपका अंकगणित सुधरेगा या फिर नरेंद्र मोदी के सामने इनकी ये चमक फीकी पड़ेगी। पंजाब में दोनों कांग्रेस और आपके नेताओं में दल बदल भी चल रहा है। पटियाला से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी एक दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए। धर्मवीर गांधी अब की बार पटियाला सीट पर बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 15 मार्च को पंजाब की चब्बेवाल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने आपका दामन थाम लिया था, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने होशियारपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया है। पंजाब में इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल में चौतरफा मुकाबले के आसार हैं। 2019 में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद चुने गए भगवंत मान 2022 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन गए, तो उनकी सीट से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह 5 सांसद चुने गए, जबकि जालंधर सीट के कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के बाद उपचुनाव में आपके सुशील कुमार रिंकू ने जीत हासिल की, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो चंडीगढ़ की इकलौती सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में 1-1 पर बीजेपी और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तो गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दिल्ली की सभी 7 सीटें भी बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में अब सवाल ये कि अब की बार केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन से लोकसभा चुनाव के नतीजों का अंकगणित बदलेगा या नरेंद्र मोदी अकेले विपक्ष के हर नाम और नैरेटिव पर भारी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।